सो लेट स्टार्ट आज हम पढ़ेंगे सुनामी सुनामी बेसिकली हम नेशनल डिजास्टर्स पढ़ रहे थे तो डिज़ास्टर के अंदर आता है सुनामी अब एक बेसिक इस पर सवाल भी आया काफ़ी दफ़ा अगर पाँच नंबर का सवाल आया तो आपने कैसे करना है मैं ये बताता तो हूँ आपको ठीक है सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जैपनीज़ वर्ड है सुनामी ठीक है उसका मतलब है हार्बर वेव ठीक है ये लाजमी पता हो एक पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले जब ये डालेंगे तो इंप्रेशन पड़ता है ठीक है उसके बाद आप डालेंगे हेडिंग छोटी सी ब्लैक पेन से जिस डेफिनेशन की ठीक है फिर लिखेंगे सुनामी इज़ दी एप नॉर्मल वे एप नॉर्मल सी वेव दैट कैन कॉज catastrophic डैमेज वेन इट हिट्स अ कोस्ट लाइन सिम्पल ये आपने एक लाइन की डेफिनेशन लिखनी है कि एब नॉर्मल सी वेव है ठीक है सोनामी जो कि कै कॉज करती है ह्यूज डैमेज कॉज करती है जब वो कोस्ट लाइन से करती है अब इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों है ठीक है आगे आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की एडिंग डालेंगे फिर वहाँ लिखेंगे आप यहाँ पे कि सोनािक ये सोना सीरीज ऑफ़ वेव्स होते हैं सोनाज सीरीज़ ऑफ़ वेवस हैव सीरीज़ ऑफ़ वेव्स कॉज बाय रैपिड डिसप्लेसमेंट ऑफ़ दी बॉडी ऑफ वाटर ठीक है रैपिड डिसप्लेसमेंट होती है वाटर की बॉडी की वो हम देखेंगे किस तरीके से अगर ये वाटर है तो उसकी रैपिड डिसप्लेसमेंट की वजह से ना वो स्पीड में आते हैं और अचानक शोर के पास आ कर ना वो इतना ऊँचा हो जाता है अगर ये आपका शोर है ना शोर मतलब जो सी का कोस्टल लाइन होती है अच्छा एक्सप्लेशन में फिर आप बताएंगे एटी परसेंट ऑफ सुनामी जो है ना वो पैसिफिक क्वेश्चन में करते हैं इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं यहाँ पे है रिंग ऑफ फायर ठीक है ये बना हुआ है यहाँ पे तो यहाँ पे आपके मोस्ट ऑफ दी एक रिंग ऑफ फायर है वहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्व हैं इसीलिए हम उसको ये बोलते हैं और ये पूरा आपका जापा जापान की साइड पे आता है आपको पता है जापान में कितने सारे फ्लड्स आते हैं उनकी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसी टाइप का है कि फ्लड्स को टैगल कर सके अच्छा काजेज आने इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे काजेस एक्सप्लेनेशन हो गया डेफिनेशन होगा एक्सप्लेनेशन हो गए आ गए, गए इसी तरीके से आगे हम डायग्राम पर भी जाएंगे पूरा एक प्रोसेस आपको ना बड़े तरीके से एक एक नंबर की चीज़ों को पूरा करना होता है इस तरह के सवाल के लिए पाँच नंबर के लिए अच्छा कॉजेज ऑफ सुनामी आप क्या लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे सुनामी इज कॉज बाई अंडर सी अर्थक्वेक सबसे पहला है अर्थक्वेक की वजह से जैसे ये पॉइंट्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पैराग्राफ लिखेंगे ना तो उसमें इंप्रेशन नहीं पड़ता कि भाई इसने पता नहीं एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया हुआ है या सारे अलग-अलग पॉइंट्स बताए हैं तो यहाँ अगर आप एक लाइन के अंदर लिख के उसको भी आगे एक्सप्लेन करें ना तो वो भी हो सकता है कि अंडर सी अर्थक्वेक्स आप बोलेंगे अर्थ सी अर्थ सी के अंदर बहुत सारे अर्थक्वेक्स होते हैं जबकि अर्थक्वेक वोल्केनो इरप्ट करता है तो उसकी वजह से क्या होता है आपका अर्थक्वेक को एक नहीं अर्थ को अलग चीज़ है वो हम आगे देखेंगे अर्थक्वेक जब होता है उसकी वजह से पूरी लैंड हिलती है और उसकी वजह से वो वेव जनरेट होती है कैनेडा एनर्जी बनती है की एनर्जी बनती है तो ओवरऑल आपकी जो ये वेव्स होती हैं उनके अंदर एनर्जी आती है और वो फिर ट्रैवल करना शुरू करती हैं शोर के पास जाकर वो फिर एक सुनामी की शक्ल अख्तियार करती है ये आप एक पॉइंट लिख के आइडिंग सब एडिंग डाल के उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं वैसे तो सब एडिंग के सब एडिंग हो जाएगी इसी तरीके से आप उसको बताएंगे कि अन सी स्लाइड लैंड स्लाइडिंग भी होती है ऑब्वियसली सी दुनिया ओशियन के अंदर पूरा एक नई दुनिया पड़ी हुई है तो वो वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग होती है वहाँ वॉलगेनोज होते हैं वहाँ अर्थ को एक सेम एज इट अकर्स इन दी लैंड ओशन जो लैंड के ऊपर होता है वही ओशियन के अंदर होता है तो लैंड स्लाइड होती है तब भी वही वाला फिनमना होगा जिसका वजह से वाइब्रेशन की डोरी की वाइब्रेशन से आपकी कैनेडिक एनर्जी कैनेडिक एनर्जी से सी की एनर्जी बढ़ जाएगी और वो फिर टेवल करेंगे बहुत फास्ट सुनामी की अगर आप वीडियो देखें ना यूट्यूब पर तो आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा लगा कि किस तरीके से सुनामी एक्ट करता है हम यहाँ रीजंस दोस्त तीसरा देख रहे हैं रीजंस होते हैं इरप्शन ऑफ वोल्केनो जब वोल्केनो इरप्ट करता है ना वो बहुत एनर्जी रिलीज करता है फिर उसकी वजह से वो सेम फिनोमेना एनर्जी रिलीज होती है फिर वो पूरी एनर्जी कैरी कर लेंगे आपकी जो वाटर वेव्स होंगी वो के एनर्जी कैरी कर लेंगे और वो फिर एक सुनामी की शक्ल اختیار कर लेगा जब वो शोर की तरफ ले जाएगा सुनामी ठीक है चौथा रीज़न है एस्टेरयड क्रैशिंग इनटू ओशन हाँ ये कभी कभी होता है कि बस एस्टेरियोड जो आपके मीटरोड्स बहुत सारे होते हैं वो मीटीरोड्स होते हैं फिर मीटरॉयड्स होते हैं उसकी फॉर्म होती हैं फिर वो मीटियोर्स बन जाते हैं मीटोरॉइड्स हो जाते हैं मीटियोर्स हो जाते हैं इसकी फॉर्मेशन होती है चेंज होती है जब वो वहाँ पे स्पेस में होते हैं तो क्या होते हैं फिर आपके जब ये ओजोन लेयर उसके अंदर आ जाते हैं आपके एटमॉस्फेयर के अंदर एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उसमें से किसी एक लेयर में आते हैं तो ये आपके मीटोरयड्स हो जाते हैं फिर जब वो नीचे आ जाते हैं तो वो मीटीरोर्स हो जाते हैं ये तो खैर आगे हम देखेंगे स्पेस वाले के अंदर तो ये भी रीज़न है वही सेम एनर्जी क्रिएट होगी एनर्जी के वॉल कहना होगा सिंपल आपने ये चार एक्सप्लेन करने हैं रीजन कॉजेज ठीक है फिर आप बताएंगे बिकॉज ऑफ दीज एनर्जीज देखें वही वाली बात कर रहा हूँ ओशियन फ्लोर एपलिफ्टेड अ सेट ऑफ वेव्स क्रिएटेड सिमिलर टू दी कंसेंट्रिक कंसेंट्रिक वेव्स बेसिकली बन जाती हैं जो कि आप जैसे कोई पत्थर फेंकते हैं ना वाटर के अंदर तो देखिए आपने कंसेंट्रिक वेव्स बनती हैं यूं-यूं करके वेव्स आगे जाने शुरू हो जाती हैं एक दो तीन इस तरह करके तो ये वाली वेव्स बनती हैं इसी वाली की वजह से मैंने बताया ना एनर्जी आ जाती है एनर्जी उसकी वजह से आपकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है इनकी और फिर ये सुनामी कॉज होता है सिंपल आगे वेवलेंथ आप बताएंगे तो एक्सप्लेनेशन में ये लिख सकते हैं ऊपर कि वेवलेंथ इसकी होती है 100 से 200 किलोमीटर कैन ट्रैवल 100 सेकेंड्स ऑफ किलोमीटर डी पशन डीप ओशन जो होता है ना ये आपके 100 किलोमीटर्स भी नीचे जा सकता है ठीक है थाउजेंड कह लें जो भी अच्छा सिंपल आपके को फॉर्मेशन पता होनी चाहिए जैसे कि हमने कॉजे पढ़े तो फॉर्मेशन भी की भी एक हेडिंग डाल सकते हैं फॉर्मेशन में आप बताएंगे कि फॉर्मेशन सोनामी अराइज़ फ्राम सडन मूवमेंट ऑफ द गाइगेंटिक मासेस ठीक है कोई भी मास एक सडन मूव करता है काजेज़ पढ़ लिया वो तो बताने हैं ना अपने नाम बताने हैं कि सबसे पहले आपका अर्थ को एक आता है लैंड होती है वॉल हो आता है ओशियन आता है पर छोटा सा फिनमिना यही फिनमना भी है इसमें थोड़ा सा लिख के यहाँ आप लिखेंगे कि फॉर्मेशन गाइडेटिंग मास्टर होती है तो होता क्या उसकी वजह से वो आपकी स्लाइड वो जो पूरी एनर्जी की जनरेट होती है एनर्जी जनरेट होती है वेव्स के अंदर वेव्स फिर ट्रैवल करना शुरू करती हैं और इस तरीके से आपका सुनामी की कॉज होता है सिंपल अर्थक्रेक हो अगर 7.0 पॉइंट इंटेंसिटी का तो हो सकता है इतनी ज़्यादा कॉज कर सकती है एनर्जी मूवमेंट सी बेड लिफ्टेड और लोअर्ड ये सिंपल है वही ऊपर वाली बातें बता देंगे आप यहाँ पे कि देखिए ना ये वाली जो मैं बात बता ना थोड़ी सिंपल सिंपल जा रही होती हैं वेव्स बिल्कुल लेकिन उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वो शोर नहीं हो रही होती है लेकिन जब वो शोर के करीब आती है ना जब नीचे इधर लैंड बहुत ज़्यादा नीचे होती है इधर लैंड जब करीब आता है ना यूं तो ये वेव्स यूं यूं हो जाती हैं ठीक है बहुत बड़ी बड़ी वेव्स हो जाती हैं और फिर वो सोनी की शक्ल जब ये कोस्टल के साथ आपका टकराता है तो बहुत ह्यूज डैमेज कॉज करता है सिंपल ठीक है एपिसेंटर टू दी मोस्ट अच्छा अब इसमें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इफेक्ट्स पता होने चाहिए ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें इसी तरीके से आपको हेडिंग्स आनी चाहिए सबसे पहले डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन कॉजेज फॉर्मेशन इफेक्ट्स सबके अलग अलग इस तरीके से बनेंगी इफेक्ट्स क्या आ जाएंगे कि शिप फ्रैक्स कैन बी लेफ्ट शोर वैन सोनाज हिट सिंपल है जब सोना हिट करेगा तो आपके जो शिप्स हैं वो सारे तबाह हो जाएंगे एनिमल्स कैन बी वॉश्ड अप टू दी शोर एंड डाई जो आपकी सी सी एनिमल्स हैं वो डाई हो जाएंगे ठीक है फ्लैश के उनके दर, आ जाएगा। और इसी तरीके से पीपल ट्रैप हो जाएंगे बिल्डिंग्स के सिंपल यार आप बहुत सारे लिख सकते हैं आपको वैसे ही आइडिया हो जाता है सेम सेम ही होंगे डिफिकल्ट प्रिडिक्ट इसका मसला ही होता है इशू विद सोनाज के डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट होती है जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया कि जब इस तरह वेद नीचे होती है तो आपको कैसे पता है सुनामी आ रहा है कि नहीं आ रहा तो ये फिर इसी तरीके से जैसे इसको पता ही कैसे चलता है पता ऐसे चलता है जब आपको कोई अर्थ को आपको आप पता चलता है ना अर्थ को एक डिटेक्ट करते हैं ना आप अंडर वाटर तो आपको पता होता है कि उसकी वजह से कोई ना कोई अब फ्लड आने वाला है क्योंकि वो जो अचानक आता है ना शोर के करीब आके फ्लाइट बढ़ी होती तो है, है तो ये ओवरऑल आपका सुनामी था बेसिकली छोटा सा टॉपिक है सारे छोटे छोटे सुनामी डिजास्टर सारे छोटे छोटे हैं तो आपने बस ये सारी छोटी छोटी वीडियोज़ को देख के समझ के और सारों के पॉइंट्स नोट कर लेने सिंपल आपको पता होना चाहिए आज तक के डेविड सेस्टिंग सोनमीज कौन से जापान में आया था दो में सही है सुमात्रा के अंदर आया था इंडोनेशिया में सारे देख लें वो रिंग ऑफ फायर के करीब ही हैं वो जो एशियन इंडियन ओशन के अंदर वो जो उधर पैसिफिक ओशन में पुर्तगाल में आया था 1755 में 8.5 पॉइंट का ठीक है तो ये सिंपल थी ये भी बातें पता होनी चाहिए तो डेट्स ऑल आगे फिर हम और मजीद पढ़ते जाएँगे जो भी डिज़ास्टर्स आते जाएंगे